भाजपा की एक मुख्यमंत्री से पहले ही तय हुई हार। बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा के लंबे कार्यकाल के बाद साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर किया। पार्टी चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतकर सत्ता तक पहुंची। उस समय कांग्रेस ने राज्य की कमान संभालने के लिए अपने अनुभवी नेता कमलनाथ पर भरोसा जताया। कमलनाथ की यह सरकार महज 15 महीने ही चली। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो गई। राज्य की राजनीति में पहली बार उतरे लोकसभा में 9 बार सांसद रह चुके इस दिग्गज कांग्रेसी के लिए यह कड़वा अनुभव था। तब से लेकर अगले 3 साल में अपनी राजनीतिक सूझबूझ के लिए पहचाने जाने वाले इस नेता ने साल 2023 के चुनाव आते आते प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार बना दिया। कमलनाथ आज मध्य प्रदेश में चुनाव के मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। मध्य प्रदेश चुनाव के प्रचार के दौरान वे दमदार तरीके से राज्य की भाजपा सरकार की सफलताएँ गिनाते हैं। व्यायाम घोटाले, डंपर घोटाले, नर्सिंग कॉलेज घोटाले, महाकाल मंदिर में भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दे पर बात करते हैं। कमलनाथ ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करके दौरान उनके शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल, भाजपा सरकार की योजनाओं और कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व जैसे मुद्दे पर बात की। मध्य प्रदेश का मुद्दा क्या है, इस पर भी कमलनाथ ने सवाल खड़ा किया और कहते हैं कि हम महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश दलित, आदिवासी और महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 हो चुका है मध्य प्रदेश। यह हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे हालात बदले। कांग्रेस इस दायित्व को निभाने के लिए ही चुनाव लड़ रही है। तो इसी के लिए अब की बार तय हो चुका है कि चुनाव अब की बार शिवराज सिंह चौहान हार चुके हैं और बीजेपी के एक मुख्यमंत्री गए। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।